हे hey, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूं कि दुनिया में हर इंसान परफेक्ट बनना चाहता है, माहिर बनना चाहता है, किसी ना किसी काम में माहिर बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। कामयाबी के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी कामयाब इंसान है जिनको देख करके हम इंस्पायर होते हैं और हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य चुना, एक रास्ता चुना, एक राह चुनी और उस राह पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने आप को झोंक दिया, अपनी जान लगा दी, तब जाकर के आज वो कामयाब है, आज वो सक्सेस है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी काम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज को चुनें और उस चीज पे इतनी मेहनत करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आप उसके माहिर बन जाएं, तब दुनिया आपको सलाम करेगी। वो कहते हैं ना कि क्वांटिटी से ज्यादा वैल्यू होती है क्वालिटी की, क्वांटिटी से ज्यादा वैल्यू होती है क्वालिटी की। एप्पल का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा, आईफोन सारे लोग लाइक करते हैं, मैं भी लाइक करता हूँ। आईफोन खरीदना, आईफोन चलाना, आईफोन अगर मेरे पास हो तो क्या वैल्यू होगी, लोग क्या पसंद करेगा, जो लोग देखेगा यार बंदा आईफोन चलाता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इस बात को बोलते हैं कि क्वांटिटी से बढ़कर के इम्पॉर्टेंट होती है क्वालिटी। और मैंने अपने सेलफोन्स में, अपने लैपटॉप्स में, अपने हर प्रोडक्ट में क्वालिटी का ध्यान रखा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी देने से बेहतर है ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अगर हम दें तो दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएं और उसमें इतनी प्रैक्टिस करें कि आप उसके माहिर बन जाए तो दुनिया आपको लाइक करेगी। मेरे भाई मैं आपको बता दूंगा, आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, ब्रूस ली बॉक्सिंग चैंपियन था। ब्रूस ली के इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोली कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसने 10,000 किक का प्रैक्टिस किया है, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो उस किक का माहिर बन गया है, उस किक का मास्टर बन गया है। उसने 10,000 बार प्रैक्टिस करने वाले से डरने की बात नहीं की, उसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करने वाले से डरने की बात की, क्योंकि जब आप किसी एक चीज को पकड़ के उस पर काम करना शुरू करते हैं और 100% फोकस उस चीज पे देना शुरू करते हैं तो आप उस चीज में माहिर बन जाते हैं और दुनिया आपका नाम लेना शुरू कर देती है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर जिनको कहा गया, क्रिकेट का भगवान कहा गया, अगर वो बैटिंग के सिवाय बॉलिंग में भी इंटरेस्ट रखते होते, फील्डिंग में भी रखते होते, हर चीज में अपने आप को माहिर बनाना चाहते तो शायद वो आज क्रिकेट के भगवान नहीं होते। उन्होंने सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट रखा, वो है बैटिंग, और इतनी प्रैक्टिस की कि आज उनको क्रिकेट का भगवान माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद क्रिकेट के इतिहास में किसी ने करके नहीं दिखाया। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था आज के लगभग 13-14 साल पहले, जब ब्रेड हॉक ऑस्ट्रेलिया में नया नया बॉलर आया हुआ था और उसने सचिन को क्लीन बोल्ड मार दिया, उसके लिए वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात थी, बहुत ही खुशी का दिन था। मैच खत्म होने के बाद वो बॉल लेकर के सचिन के पास आया और बोला, सर आज मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, मैंने आपको क्लीन बोल्ड मारा है, मैं चाहता हूं आप इस बॉल पे अपना ऑटोग्राफ दें। सचिन ने उस बॉल पे लिखा कि बेटा ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये लिखने के बाद शायद वो बैठा नहीं होगा, ये लिखने के बाद शायद वो ये सोच करके नहीं बैठा होगा कि यार वो तो हो गया, किस्मत से हो गया होगा, अब दोबारा कभी नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस की होगी कि कभी इज्जत ना चली जाए, कभी ऐसी बात सामने ना आए कि मैंने ऐसा बोला था और ऐसा प्रूफ नहीं कर पाया। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए, कि लगभग 25 से 30 बार ब्रेडॉक और सचिन आमने सामने आए, लेकिन कभी ब्रेडॉक ने सचिन को आउट नहीं कर पाया। तो आप जब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और 100% अपना उसी काम में उसी चीज के पीछे देते हैं, तब आप उस चीज के माहिर बनते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूं, हॉकी के भगवान मेजर ध्यानचंद को आप जानते होंगे। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे ना, तो लोग बोलता था यार इसकी स्टिक में क्या चुंबक लगी हुई है, इसकी स्टिक में चुंबक लगी हुई है। विरोधी लोगों ने, जो उनके अगेंस्ट जो टीम खेल रही थी, उन्होंने उसकी स्टिक को तोड़ करके देखा, उसकी हॉकी को तोड़ करके देखा, हॉकी में कोई चुंबक नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस थी और प्रैक्टिस की वजह से, इतनी प्रैक्टिस कहते हैं ना, चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। सोच करके देखो, रात रात भर प्रैक्टिस किया करते तब जाकर के माहिर बन पाए। दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर पाब्लो पिकासो एक बार न्यूयॉर्क अपनी एग्जीबिशन के लिए गया। एक लेडी ने उसको देख लिया, भागते भागते गई, बोला पाब्लो पिकासो यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पेंटर।
सर आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ करिए। एक पेपर एक पेन लेकर के आई और लेकर के दिया। पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड के अंदर एक ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद उस लेडी को दिया और बोला, लेडी ये पेंटिंग 30 सेकंड के अंदर, ये जो पेंटिंग मैंने आपको दी है 50 लाख की, 50 लाख की है। उसको विश्वास नहीं हुआ, मार्केट में गई, बोलना शुरू की, ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आप खरीदेंगे? लोग बोले यस खरीद सकते हैं, कितना दाम लगा सकते हैं इसका? मैं 50 लाख रुपए दे सकता हूं। उसको विश्वास नहीं हुआ, 30 सेकंड के अंदर 50 लाख। ढूंढती ढूंढती पाब्लो पिकासो के एग्जीबिशन में पहुंची और बोली, सर आपको याद है मैं वही लेडी हूं जो मैं आपसे कल मिली थी, आपने 30 सेकंड का ड्रॉ दिया था, लिखकर ड्रॉ करके एक पेपर में मुझे एक पेंट दिया था और बोला था ये 50 लाख की है। सर पाके 50 लाख की है? पाब्लो पिकासो बोले, यस मुझे मालूम है वो 50 लाख की, क्योंकि मैंने बनाई है। बोला, सर मैं बनना चाहती हूँ आपके जैसा, 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है, मैं भी बनना चाहती हूँ। पाब्लो पिकासो बोले, लेडी जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की देखी है उसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए हैं, 30 साल की प्रैक्टिस वो 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना करके दी है। मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस दुनिया में कुछ करके दिखा सकते हैं, आप भी इस दुनिया में कुछ बन के दिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज चुनना होगा, एक रास्ता चुनना होगा, और जिसको चुने उसमें अपने आप को झोंक दे, जला दे उसके पीछे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन दुनिया आपकी होगी, आपके पीछे होगी, आपका नाम ले रही होगी, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगी और आपको सल्यूट कर रही होगी। जब तक के लिए नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, मैं आपका दोस्त अभिषेक, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। थैंक यू दोस्तों।